लंकेश की जय हो। राम का एक दूत आया है, वो लंकेश से भेंट करना चाहता है। देखा पुत्र मेघनाथ, कि राम मुझसे इतना भयभीत है कि वो स्वयं नहीं आया और ना ही उसने आक्रमण किया, उसने अपना दूत भेज दिया। जाओ भीतर ले आओ उसे। जो आ गया महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण के समक्ष उस तुच्छ मानव राम की जय जयकार कर रहा है तू? कौन है रे तू? मैं बाली पुत्र युवराज अंगद हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तू बाली का पुत्र है? हाँ लंकेश, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मेरे पिता से अच्छा परिचय रहा है। बाली मेरा मित्र अवश्य था, परंतु धिक्कार है तुझ पर अंगद, कि जिसने तेरे पिता की हत्या की तू उसी का दूत बनकर आया है, वो भी मेरे सामने, लंकेश के सामने। जिसने मेरे पिता का वध किया उसने ये निर्णय न्याय, आदर्श, मानवता और संबंधों की परिभाषा पाप पुण्य का विचार करके ही किया था। अच्छा, परंतु जिसका वध हुआ था अंगद, वो तो तुम्हारा पिता था ना? किसी का पिता यदि अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करे, किंतु पिता तब भी ना माने तो पुत्र का यह धर्म हो जाता है कि उनका त्याग कर दे। मुझे तो इस बात का दुख और आश्चर्य है कि तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने तुम्हारा अभी तक त्याग कैसे नहीं किया। अपने दूत होने की सीमा पार मत कर युवराज अंगद। मुझे मेरी सीमा ज्ञात है मेघनाद, किंतु तुम अपनी सीमा भूल चुके हो। तुम शिष्टाचार की सीमा पार कर चुके हो। मैं दूत हूं और इस सभा में मैं तुम्हारे पिता श्री लंकेश से बात कर रहा हूं, फिर भी तुम बीच में आ गए। घोर आश्चर्य। हां तो लंकेश, मैं तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम का एक संदेश लाया हूं। माता सीता को आदर और सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो। इसी में तुम्हारा, तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारे वंश और सारी लंका का हित है, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक होगा ये तुम नहीं सोच सकते और नहीं मैं बखान कर सकता हूं। राम राम एक साधारण मानव है अंगद, अति साधारण। ना तो उसमें साहस है, ना ही शक्ति और ना ही बल, कुछ नहीं है उसमें। लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शक्ति की बात छोड़ो, उनके समक्ष तो मैं मात्र दिनके के समान हूं। तुम मेरी शक्ति परीक्षा ले लो, तुम्हें अनुमान हो जाएगा। लो, मैं अपना एक पैर धरती पर रखता हूं, तुम यहां अपनी सभा में उपस्थित सभी सभाजनों को आदेश दो कि वे एक साथ मिलकर मेरे इस पैर को हिला मात्र दें। प्रभु श्री राम की सौगंध, वे सीता माता का हार जाएंगे और लंका से बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। जाओ और इस बानर का पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जाओ। Ha 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 ha.
पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो पुत्र, जाओ। Thank you.
मेरे चरण छूने से क्या होगा रावण? चरण छूने हैं तो प्रभु श्री राम के छू, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अंगद, अभी तो तुमने मेरे एक पैर का चमत्कार देखा है रावण, कहीं यदि मैंने अपना हाथ हिला दिया तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूं। तुमसे अब रणभूमि में ही भेंट होगी। रघुकुल शिरोमणि श्री प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युद्ध, युद्ध की तैयारियां की जाए, युद्ध किया जाए। मेघनाद का चल रहा तप इतना विकराल, मार न पाएगा उसे कभी जगत में काल। सफल न हो जाए कहीं, रखिए इसका ध्यान। अनुष्ठान पूरा न हो, सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण।